खास सरोकार। कोचिंग से लौट रहे बच्चे की चाकू से गोद कराते हैं, पुलिस ने किया आरोपी युवक को गिरफ्तार। गांव में डायन बताकर बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। अवैध संबंध के चलते हुई बुजुर्ग की हत्या, एक महीने बाद हुआ घटना का खुलासा। गंगा जलापूर्ति योजना का लोकार्पण, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने किया योजना का लोकार्पण। पुलिस की बड़ी कामयाबी, दो साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार। श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। खबर बेतिया से है, जहां नरकटियागंज में लगातार अवैध खनन के मामले सामने आ रहे हैं। माफिया लगातार ट्रैक्टर और ट्रकों के द्वारा अवैध खनन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। पुलिस भी लगातार खनन माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है। बता दें, अवैध खनन को लेकर शिकारपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को खिरिया से, जबकि जयमंगलापुर और हरदिया से एक एक बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां मझौलिया थाना क्षेत्र के महोदीपुर के रहने वाले युवक के बेटे की खुले नाले में गिरने से मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में कोहराम मच गया। वहीं जगह जगह खुले नाले को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला। बता दें, पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पिता जो है दरवाजा अपन बाहर रहे थे, लड़का जो है उधर से खेलते खेलते गया और नाला में गिर गया। कुछ देर के बाद में हुआ कि लड़का कहाँ है, तो जा करके देखा लोग, गांव के लोग तो जो है नाला में पड़ा हुआ। नाला पर ढक्कन है कि नहीं? नाला पर ढक्कन नहीं है। मुखिया से कई बार हम कहे, हमारे पंचायत के जो है सो माने जाने आदमी समूह भी हैं जो दरोगा से रिटायर हुए हैं, उनसे भी कहे तो कहे कि सीता भाई हम कह देते हैं मुखिया से। हम तो नए हैं, ये 2022 का पहले बना है ये। मुखिया जी पुराना वार्ड बनवाए हैं। पुराने वार्ड का क्या नाम है? रामजीत पासवान। आपका नया? मेरा सोनू कुमार पासवान। यही क्या है जी? 9 नंबर वार्ड का है। नहीं है, इसी कारण से बच्चा गया है, उसमें गिर गया, उसका दम कमी गया। किसका है कमी? तो बुझिए कि मान के चलिए कि मुखिया जी का है, माने वो बनवाए हैं, वार्ड बनवाए हैं, तो उनका तो देख रेख रहना चाहिए। कौन पंचायत है ये? महोदीपुर पंचायत। मुखिया जी का क्या नाम है? मुखिया जी का आशा देवी नाम। आपका नाम? मेरा नाम चुनू कुमार सिंह। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां के सबिया देवराज में एक मोहल्ला ऐसा भी है जहां आजादी के बाद पहली बार नाले का निर्माण हो रहा है, जिसको लेकर गांव वालों में खुशी के साथ सरकारी सिस्टम के विरुद्ध नाराजगी भी देखने को मिली। ग्रामीणों ने बताया कि जो कार्य वर्षों पहले होना चाहिए था वो अब हो रहा है। साथ ही मुखिया हिटलर ने बताया कि हमारा पंचायत अभी बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है, कई जगह रोड नाले की विकट समस्या है, जिसे हर संभव पूरा किया जाएगा। होने जा रहा है ये, अभी तक कोई विधायक आए, कोई मुखिया बना, कोई संसद बना, अभी तक ये नाली और ये पीसीसी नहीं हुआ था। आज हिटलर ने हमारे सवैया पंचायत में जीत कर वो आज बनवा कर दिखा दिया, और इंशाल्लाह हर जगह हमारे सवैया पंचायत में कहीं पे भी किसी को तकलीफ नहीं होगा। Okay.
खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां शिकारपुर पुलिस ने नशे की हालत में गाली गलौज कर रहे दो लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं इस मामले में थाना अध्यक्ष रामाश्रय यादव ने बताया कि क्षेत्र के चमुआ के नजदीक दो व्यक्ति को नशे की हालत में गाली गलौज करते हुए देखा गया और पुलिस की गाड़ी को देखते ही दोनों ने भागने का प्रयास किया, जिसे पुलिस बल ने खदेड़ कर पकड़ा और ब्रेथ एनालाइजर से जांच में शराब पीने की पुष्टि होने पर प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्याय हिरासत में बेतिया भेज दिया गया। खबर बेतिया से है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने दो साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। वहीं इस मामले में थाना अध्यक्ष राकेश कुमार भास्कर ने जानकारी दी और बताया कि अपराधियों के पास से विभिन्न बैंकों के 27 एटीएम कार्ड, 7 मोबाइल फोन एवं एक अपाची बाइक बरामद की गई है। इसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। खबर भागलपुर से है, जहां जमीनी विवाद को लेकर अपराधियों ने घर में घुसकर मारपीट की, जिसके बाद घायल पत्नी और बेटी एवं बेटे को इलाज के लिए कहलगांव के अनुमंडल अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां घायलों का इलाज किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हम बाहर में थे, पप्पा सब अंदर में था, गाय को गया अंदर, वो लोग आके पूरा मदर मारपीट करने लगा। हाँ, इसका के मतलब केस पहले जमीन का चल रहा था कोर्ट, हाँ, मतलब कचहरी में, कचहरी में केस चल रहा था, बिन मोटेशन का ही जमीन बेच दिया था मीर तिवारी ने। हाँ, और रस्ते से कटा लक्ष मेरा दादा नाम से कट रहा है। हाँ, अभी मोटेशन नहीं हुआ है, इसी कारण से हम लोग बाहर गए हैं। वो लोग जमीन में दखल कर लिया है, उसको समझाने के लिए पप्पा गए घर। कैसे झगड़ा हुआ था? झगड़ा कुछ नहीं, वो जमीन जो है झगड़ा, वो जमीन था, जमीन का झगड़ा। उसके बाद वो लोग जबरदस्ती बना दिया कि पंडरियाल के वहाँ पहले कचहरी में हुआ था कि बिना बंटवारे हुए दखल नहीं किया जाए। केस मतलब चल रहा था, मतलब कोर्ट में, मतलब पंचायत भवन में, पंचायत भवन में। हाँ, किया तो रहा, और मिहिर तिवारी जो आया तो पप्पा से झगड़ा करने लगा, तो वो लोग सिखा बुद्धि करके लड़वा दिया यादव से, छठू यादव, कब्दी यादव, रवि यादव, कौशल यादव, बादल यादव, ये लोग सब 5-6 लोग, 10 लोग मिल गए मार के मरवाने लगे। वो भी मिहिर तिवारी मारने के लिए वो भी था, वो पहले भी मार झगड़ा हुआ था। हाँ, पहले भी बकवास हो रहा था, पहले भी विवाद के जमीन में लोग मारपीट हुआ, गाली गलौज भी, गाली गलौज किया सब जमीन का। खबर नवादा से है, जहां सास बहू की लड़ाई में गुस्से में आकर बहू ने सल्फास की गोली खा लिया, जिसके बाद परिजनों ने उसे गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने नवादा सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां महिला का इलाज जारी है। बाएं पर लागल, मुड़ी पर लागल, पीठ पर लागल, जेने समान करो सर, पीठ पर देख लिया, मुड़ी देख लिया। कहाँ पड़ी अपन? नाम कटोला में हुई। नाम क्या पड़ी? कोने की ढेर ने तो गाड़ी दे लोग कतर की हमारे ऐसी पर मने रेंगी पर ना दूसर के जमीन रोला। अच्छा। दूसर के जमीन रोले ढेर तरह नहीं तो माँ आई है तो गाड़ी दे तरह नहीं तो हम कोने की हेलो तो इनका कावी तो ऐसा पता ही लेते तो कावी जाता थे तो माँ आई तो बोले लोग ऐसे कोने की गाड़ी न दो तब माँ तो मारे लोग लोग झगड़ा पता ही चलते हुए। खबर मधुबनी से है, जहां जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई और मारपीट के दौरान कई लोग घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद स्थिति गंभीर देखते हुए घायलों को सदर अस्पताल मधुबनी तथा डीएमसीएच दरभंगा रेफर कर दिया। वहीं पुलिस इस मामले में छानबीन में लगातार जुटी हुई है। लड़का हम पे गणेश सैनी और उमेश सैनी दोनों मिलकर हमें पिलर नहीं गाड़ने दिया, तो हम पे हाँ सब बाप थे, उसने वहीं पे खड़ा होके उसने मुझे लोहे की रड से मेरा सर फाड़ दिया। कितने लोग जख्मी हैं?
हम 5 आदमी जख्मी है। क्या जमीन विवाद था? हाँ। कब से विवाद चल रहा है? विवाद पहले से चल रहा था, जबकि हमारे पूर्वज के वो हाँ वहाँ पे घर थे। खबर मधुबनी से है, जहां जिले के सभी प्रखंडों में पिछले कुछ दिनों पहले राशन कार्ड लाभुकों के द्वारा अपने राशन कार्ड में नए सदस्यों का नाम जोड़ना और कुछ सदस्यों का नाम हटाने के साथ नए राशन कार्ड का ऑनलाइन आवेदन किया गया था। इस संबंध में रहिका प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ज्ञानेश कुमार ने बताया कि हमारे प्रखंड में भी सैकड़ों की तादाद में ऑनलाइन आवेदन किया गया था, जिसकी जाँच अंतिम चरण में है और स्कैनिंग किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों के अंदर सभी प्रक्रिया पूरी कर लाभार्थी को सुपुर्द किया जाएगा। कार्ड पे जो शिविर लगा के प्रखंड कार्यालय में शिविर लगा के पत्र खोल लिया गया था आवेदन, जिसे किसी बच्चे का नाम छूट गया, परिवार का सदस्य का नाम छूट गया, या पूर्व से एक राशन कार्ड में वो परिवार अलग कराना चाहता हो, वैसे सभी का कैंप में आवेदन दिया गया था, उसका निष्पादन किया जा रहा है। जो पात्र हैं, जिनका दस्तावेज सही है, सभी को सूचित करके अनुमंडल कार्यालय भेजा जाएगा। प्रक्रिया कब तक हो जाएगा सर? ये 2 दिन, सोमवार तक समाप्त निष्पादन, संपूर्ण निष्पादन। खबर मोतिहारी से है, जहां अपराधियों ने बहन के सामने भाई की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। बता दें, दोनों भाई बहन कोचिंग से लौट रहे थे। आनन फानन में बच्चे को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पास तो सर हम लोग को पढ़ा रहे थे, तो वो लोग मतलब कि बच्चा सब खड़ा था बस, तो उन लोग घर पर से पानी गिराया, तो बच्चा सब उन लोग को कुछ नहीं बोला, अपने बोला कि जाओ तुम नहीं नहाया तो तुम नहा लो, अपने मजाक किया है। अब वो लोग अचानक आके मार पीट करना शुरू स्टार्ट कर दिया, तो ये सब गया छुड़ाने की छुड़ा उधर से लड़की से बोली कि झगड़ा हो गया मारपीट हो रहा, तो ये सब गया सब छुड़ाने, तो उसी में तो सब वो आंटी सब लड़का को मार रही थी। फिर घर का जो लड़का था वो लाया है और पीछे से एक लड़का पकड़ भी रहा है अपने ही कोचिंग का, तब भी उसको जबरदस्ती चाकू मार दिया है। आपसी विवाद को लेकर करके चाकूबाजी की घटना हुई है, जिसमें आयुष कुमार की मृत्यु हो गई है। जो चाकू मारने का आरोप है उसमें से मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, मर्डर वीपन की बरामद। क्या मामला लगता है सर? अभी तक के पूछताछ में ही पता चला है कि छत से पानी गिरने के कारण विवाद हुआ। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका, आधे घंटे होगा भरपूर मनोरंजन, जब आप देखेंगे मजेदार वीडियोस। वायरल स्टेशन सिर्फ प्राइम टीवी पर। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखिए हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। ब्रेक के
बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर नालंदा से है जहां पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए कांड में संलिप्त कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं इस मामले को लेकर डीएसपी ने बताया कि पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास नवनिर्मित सामुदायिक भवन की पानी टंकी में एक बुजुर्ग का शव बरामद किया गया था। पुलिस ने जिसकी पहचान कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एक तो अस्थावा थाना क्षेत्र में पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास नवनिर्मित मकान का जो पानी का टंकी है उसमें एक शव बरामद हुआ था 18-19 की रात्रि अक्टूबर में। वो अज्ञात कांड था। उसका उद्भेदन पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में एक टीम के द्वारा किया गया। थाना अध्यक्ष अस्थावा, जिला सूचना इकाई के भी पदाधिकारी इसमें शामिल हैं। इसमें उद्भेदन से जो घटना में शामिल जो 5 जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी की गई। से है जहां पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए कांड में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। वहीं इस मामले को लेकर डीएसपी ने बताया कि पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास नव निर्मित सामुदायिक भवन की पानी टंकी में एक बुजुर्ग का शव बरामद किया गया था। पुलिस ने जिसकी पहचान कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वीरेंद्र हमसे जुड़ेंगे। वीरेंद्र, पानी टंकी में बुजुर्ग का शव बरामद हुआ था जिसके बाद 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, क्या कुछ पूरा मामला है? तो उसी के मामले में इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वीरेंद्र हमसे जुड़ेंगे। वीरेंद्र, पानी की टंकी में बुजुर्ग का शव बरामद किया गया था जिसके बाद 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, क्या कुछ पूरा मामला है? थाना क्षेत्र का बलवापुर गांव का मामला था जिसमें रामचरण मिस्त्री के 75 वर्षीय शर्मा के मामला यह था कि अवैध संबंध किसी से चल रहा था, इसी के लेकर के उसको हत्या किया गया था। इसमें डॉक्टर सिबी नवानी प्रेस वार्ता कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया। धन्यवाद वीरेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। खबर नालंदा से है जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 4475 करोड़ की लागत से गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया। बता दें, इस दौरान जल संसाधन मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री के साथ सांसद कौशलेंद्र कुमार के अलावा कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि जहाँ दक्षिण बिहार के जो जिले हैं, चाहे गया हो, बोधगया हो, आपका नालंदा हो, नवादा हो, जहाँ वाटर लेवल बहुत कम हुआ है, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी की जो दूरदृष्टि रही कि भाई गंगा जल जो है ऐसे जगहों पर हम पहुँचाने का काम करें, शुरुआत करें। जरा संघ का अखाड़ा, यानी ये बिंदिसार और बिंदिसार के पुत्र तो आजाद शत्रु बिंदिसार को जेल में बंद कर दिया, ऊपर तक बात है, लेकिन बिंदिसार के बाद जो आजाद शत्रु हुआ वही जाकर के पाटली पुत्र बनवाया, यहाँ से सीधे लिख करके पाटली पुत्र पटना, तो वो सब का तो बड़ा इम्पोर्टेंस है। लेकिन जो ये है जरासंध का, एक और उनके पहले का है, जरासंध का जो अखाड़ा है यहाँ वो नोन है, बहुत लोग देखने आते हैं,
अभी तेरा संत जाने वाला खड़ा है। खबर नवादा से है, जहां डायन के आरोप में बुजुर्ग महिला को बेरहमी से पीटा गया और इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बता दें, इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को मिलते ही मौके पर पहुंची और घायल महिला को इलाज के लिए नवादा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पीड़ित महिला का इलाज जारी है। खबर नवादा से है, जहां शहर से सटे मुफसिल थाना क्षेत्र के पास चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। बता दें, चोरों ने एजेंसी का शटर तोड़कर एजेंसी में प्रवेश किया और स्टोर में रखा नगद लेकर फरार हो गए। वहीं पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेकर जांच में जुटी हुई है। यहां पे ऑफिस क्लोज करके 6 बजे क्लब समझ गया। उसके बाद हमारे सुपरवाइजर रोहित मॉर्निंग में 5:00 पे आया ऑफिस, तो देखा कि शटर का लॉक दोनों टूटा हुआ है। शटर उठा हुआ था थोड़ा सा 2-3 फीट ऊपर। उसके बाद जब अंदर आए तो हम लोग देखे सारा इखरा बिखरा हुआ था पार्सल, लॉकर नहीं था। ये जो ड्रो होता है जिसमें सिस्टम रखा हुआ, उसमें कैश नहीं था। कैश हमारे पास 1,80,000 के लमसम में था और कुछ शिपमेंट इखरा बिखरा हुआ है। खबर नवादा से है, जहां नीतीश कुमार व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गंगा जल उद्धव योजना का उद्घाटन किया। बता दें, इस योजना के तहत राजगीर, नवादा और बोध गया को गंगा जल उपलब्ध कराना है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली योजना के तहत यह योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि हर एक घर में 135 लीटर प्रति व्यक्ति को गंगा जल मिलेगा, जिसका पूरा लक्ष्य 2051 तक रखा गया है। हो पीना हो सब्जी, ये क्या करते हैं, खाना बनाना हो, पूजा करना हो, आपको पूरा का पूरा साफ सफाई करना हो, किसी भी काम के लिए कोई दूसरे पानी का, उसको इतना पानी, आप सोच लीजिए कि कितना अच्छा हो। अब यही आज यहाँ आकर वही दोनों जगह करेंगे और यहाँ कुछ जगह घूमने भी हम जाएंगे। 50 गया है तो देखेंगे। 50 साल बिल्कुल लंबा विस्तार है, बड़ा 2050 से 1951। खबर नवादा से है, जहां प्रजातंत्र चौक के पास नाले में नगर परिषद के कर्मी का शव मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं मृतक व्यक्ति की पहचान सरयूदास के रूप में की गई है, जो नगर परिषद में गार्ड की नौकरी करते थे और शहर के टाउन हॉल में ड्यूटी पर तैनात रहते थे। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है और कर्मी की मौत का खुलासा करने में लगी हुई है। खबर रोहतास से है, जहां बेखौफ अपराधियों ने बाइक सवार युवक से 20,000 रुपए और लगभग 2.5 लाख रुपए के गले की चेन और लॉकेट की लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसका विरोध करने पर बाइक सवार अपराधियों ने छोटू के पैर में गोली मार दी और उनके फूफा के साथ भी मारपीट कर हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। फायरिंग की आवाज के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घटना की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करा, घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में लग गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मंजीत हमसे जुड़ेंगे। मंजीत, बेखौफ अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी, डेहरी के रहने वाले जिसको गोली लगा है छोटू, वो डेहरी का रहने वाला है और वो और उनके जो रिश्तेदार थे जय कुमार, वो बाइक से जा रहे थे एक शादी अटेंड करने डेहरी से। उसी अंतर्गत नाथरीगंज थाना में युको नो जो तीन लोग एक ही बाइक पे सवार थे, उन्होंने इन लोगों को चैन और पैसा छीनने की कोशिश की तो इन लोगों ने विरोध किया। विरोध करने के बाद ऐसा हुआ कि अपराधियों ने एक को धक्का दे दिया और दूसरे को पैर में गोली मार दी। जब गोली मारकर और जो चैन था और पैसे था वो इन लोगों से छीन लिए। मंजीत, क्या अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाई है? नहीं नहीं, युवकों जो लगा है वह आवेदन नासिरगंज थाने को दिया है, उसमें उसके बाद निजी अस्पताल में उनकी इलाज कराई जा रही थी, लेकिन अभी तक अपराधी का कोई भी गिरफ्तारी नहीं है। आवेदन ले ली गई है,
थाना के द्वारा बताया गया कि हम इस पे जांच कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रोहतास जिले में क्राइम का जो वृद्धि हो रही है, लगातार लूट और मर्डर और छिनैती के मामले काफी तेज से बढ़ रही है। इससे और ये रोहतास के जो एसपी हैं आशीष भारती, इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जो कि थाने को जो है कि अनकंट्रोल में है। अगर ऐसा होता तो थानेदार जो होते वो अपने काम से एक तरीके से काम करते। इसके वजह से क्राइम जो है लगातार बढ़ रही है। कहीं ना कहीं इसमें नाकामी है कि इस तरह का क्राइम रेट बढ़ना रोहतास जिले के लिए एक सवाल उठ रही है। धन्यवाद मंजीत तमाम जानकारियों के लिए। खबर सहरसा से है, जहां संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से बटोही तथा वैदेही कला संग्रहालय सहरसा द्वारा 27 और 29 नवंबर के बीच वैदेही अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन किया गया। बता दें इस अवसर पर प्रोफेसर डॉक्टर अशोक यादव प्रचार पार्वती विज्ञान महाविद्यालय मधेपुरा में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक सम्मान प्रदान किया गया। वहीं इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में ओम प्रकाश भारती ने कहा कि संग्रहालय हमारे परंपराओं का भविष्य है, इनका शैक्षिक मूल्य एवं महत्ता हमें समाज के समक्ष रखना होगा। भारत का ये पहला संग्रहालय है जहाँ थाईलैंड, मलेशिया, फिजी, सुरीनाम, मॉरिशस आदि देशों में जो रामायण से विकसित कला रूप हैं उन कला वस्तुओं की प्रदर्शनी जो है यहाँ संग्रहालय में लगाई गई है। मुख्य रूप से संग्रहालय और जो वैदेही कला संग्रहालय है बटोही है, इनके द्वारा संयुक्त रूप से ये 3 दिवसीय वैदेही अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन जो है यहाँ, तो हम लोग अभिभूत हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे मुझे जो बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे लोग हैं, ज़्यादातर प्रोग्राम्स में एडल्ट्स ही रहते हैं और यहाँ पर जो हमारे भारती सर यहाँ के वैदेही अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव के जो सब मुख्य मेंबर्स हैं, इन लोग जो इतने अपकमिंग जेनरेशन को यहाँ पर इकट्ठा कर पाए हैं, तो इनके सामने भी ये हमारे लिए एक बहुत नया अनुभव होगा करने के लिए, उसको राष्ट्रीय मानचित्र पर आगे बढ़ने के लिए, उनकी कला और संस्कृति का विकास कैसे हो इसके लिए आदरणीय ओम प्रकाश भारती जो हमारे वर्धा में अंतर्राष्ट्रीय महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं और सम्मानित नागरिक भी हैं इस देश के, उनके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है यह मील का पत्थर साबित होने वाला है। बिहार की खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक ले देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के